सर। हाय, मैं हूँ आपा द रॉक और हमारा कोल्हापुर राइडर्स चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम आसिफ द ईगल इनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे वो क्या करते हैं और उनका लद्दाख को जाने का क्या सपना है और उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारी की है और वो अब किस स्टेज पे है और ये सब हम जानेंगे। अभी आइए हम मिलते हैं। ये है आसिफ द ईगल। आसिफ भाई, आप अपने सब यूट्यूब फ्रेंड्स को सब्सक्राइबर को आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप क्या करते हो, आपकी तैयारी क्या चल रही है, आप हमारे फ्रेंड से बात कीजिए। हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आसिम मुजावर। एक्चुअली मेरा नाम है आसिम, तो सभी मेरे फ्रेंड्स लोग जो है जो मुझे आसिफ के नाम से जानते हैं, तो मैं आपको आसिफ के नाम से ही अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं हम केओप राइडर्स कोल्हापुर से 1 जून को लद्दाख के लिए बाइक राइडिंग करते हुए जाने वाले हैं, जो कि तकरीबन अप डाउन करके 6000 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है। आसिफ भाई, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप काम क्या करते हो। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको। हाँ। लेकिन हमारे जो ये प्यारे लोग हैं इनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक लद्दाख का मेंबर हूँ, मैं एक कॉप राइडर का एक मेंबर हूँ। अच्छा, नहीं आप डेली आपका वर्क क्या है, आप काम क्या करते हो। जी ज़रूर। अच्छा, वो तो जानना हमारे फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो हम सब एक मिडिल क्लास मैकेनिकल लोग हैं। अच्छा। जो कार सर्विस कराते हैं। अच्छा। अपने अर्श ऑटोमोबाइल गैरेज के अंदर, तो मैं इस वर्कशॉप के अंदर तकरीबन 6-7 सालों से हूँ। और हमारे जो प्लानर हैं अदनान भाई और हमारे जो ओनर है दिलावर मिस्त्री दिलावर हकीम जी, तो इनके यहाँ मैं तकरीबन 6-7 साल से कनेक्टेड हूँ, इनसे संबंधित हूँ। और इस वर्कशॉप के अंदर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर हेड मैकेनिक हूँ, तो मेरे अंडर के अंदर तकरीबन 3-4 मेरे साथीदार काम करते हैं। मैं इन सबको मैकेनिकल फील्ड के लिए हेल्प करता हूँ। अच्छा आसिफ भाई, हम भी सब मैकेनिकल है, मिडिल क्लास लोग हैं और हम सुबह 10 बजे से रात को 11-12 बजे तक काम करते रहते हैं और सोमवार की एक दिन ही हमको छुट्टी रहती है। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये लद्दाख के बारे में अचानक से ऐसा प्लान क्यों आया आपके दिमाग में और क्या आपका एम है। और इतनी दूर कोल्हापुर से लद्दाख जाना मतलब कोई इजी नहीं है, कम से कम 3-3.5 हज़ार किलोमीटर का ड्राइविंग है, वो भी हम 2-व्हीलर से जा रहे हैं। ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे, और आया तो आया, इसके साथ में हमारी जो 12 लोगों की टीम है उन सबको मोटिवेशन करके उन सबको तैयार करके आप उधर तक जाने के लिए, ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे। जी देखिए, पहली बात तो यह है, लद्दाख एक हर किसी बाइकर का एक ड्रीम होता है कि मैं लद्दाख जाऊं अपनी बाइक के साथ राइडिंग करते हुए, तो मेरा भी एक सपना है। मैं वैसे तो राइडर प्रोफेशनल नहीं हूं, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र मैंने आज तक कभी नहीं किया है। फिर भी एक मेरा एम है, मुझे एक नेचर और एक अपने हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, जो नेचर की खूबसूरती है उसको भी देखना है, वहाँ के एडवेंचर को, वहाँ के थ्रिल को अपने आप को आजमाना है। और इन सब ख्वाबों को लेके, इन सब सपनों को लेके मैं लद्दाख जाने के लिए तय किया हूँ हमारे कोल्हापुर राइडर्स के साथ में। और आसिफ भाई, मैं आपसे एक पर्सनली सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में जब से आपने बाइक चलाना सीखी है तब से आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलोमीटर का ड्राइविंग किया है, 100 हो 200 हो 300 हो 400 कितना किलोमीटर का ड्राइविंग किया है। जी वैसे तो मैंने ज़्यादा बाइक से सफ़र तो नहीं किया हूँ, अगर कार होती तो हम आसानी से इधर उधर चले जाते। कार का तो मैटर अलग है, हमारा नहीं। अभी जो हम लद्दाख को 2-व्हीलर से जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ 2-व्हीलर के बारे में बात कीजिए। वही आपको मैं बता, 2-व्हीलर का, सिर्फ 2-व्हीलर के बारे में आप बताइए, 2-व्हीलर से आप कितने किलोमीटर तक ड्राइविंग किए हैं। तो बाइक से तो मैं ज़्यादा राइडिंग नहीं किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूना या इधर कोकण में रत्नागिरी। आप किलोमीटर के हिसाब से बोलिए तकरीबन सब्सक्राइबर को, उनको भी पता चले 400 किलोमीटर का। अरे यार गिर गया। ओ चलो, हवा बहुत तेज चल रही है इसकी वजह से थोड़ा कैमरा यहाँ पे थोड़ा फोर्ट पे थोड़ा हवा। okay. मौसम बहुत साफ है तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप इसको संभाल लीजिए। तो मैं राइडिंग ज़्यादा नहीं किया हूँ, 300 से 400 किलोमीटर का रनिंग वन टाइम में किया हूँ, वो भी होंडा स्प्लेंडर बाइक से। अच्छा, तो अब मैं जो सफ़र करने वाला हूँ लद्दाख के लिए वो एवेंजर से करने वाला हूँ। तो आसिफ भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं कोल्हापुर टू लद्दाख जाने के लिए आपने कौन से 2-व्हीलर लेने का डिसाइड किया है और अभी आपके पास कौन से 2-व्हीलर है, यह हमारे सब्सक्राइबर को आप प्लीज़ बता दीजिए। जी,
जी मैं अभी लद्दाख जो हम राइड करने वाले हैं इसके लिए मैं बजाज एवेंजर 220 जो क्रूज मॉडल है जो ऑफ रोडिंग के लिए और एडवेंचरस राइडिंग के लिए बनी है तो इसको मैंने चूज़ किया है। तो अभी मेरे पास जो है बजाज पल्सर 135 ये बाइक मेरे पास अवेलेबल है जो मेरी मेरे जो हमारे ओनर है दिलावर मिस्त्री जी इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है तो यही मैं अभी तक इस्तेमाल करते आया हूँ तकरीबन 2-3 सालों से। तो इससे पहले कोई बाइक मेरे पास नहीं थी, अभी जो लूँगा वो मेरी नई बाइक अपनी होगी तो अपने हिसाब से मैं लूँगा उसको, तो उससे मैं इस राइडिंग को एंजॉय करने भाई वाला। आपने अभी जो बोला आप एवेंजर ले रहे हो, आपके पास अभी पल्सर है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अभी एवेंजर आपकी ड्रीम बाइक है और वो आपको लद्दाख जाने के लिए सही लगती है, रोड पे अच्छा है, इसीलिए आप वो ले रहे हो, क्या पल्सर लद्दाख तक पहुंच नहीं सकती इसलिए आप वो बाइक ले रहे हैं? जी पल्सर बाइक मेरी जो है वो काफ़ी पुरानी है, उसमें अच्छा? खर्च करना ये थोड़ा नामुमकिन है। नामुमकिन का मतलब क्या है? सही नहीं है, मुनासिब अच्छा, नहीं अच्छा है। तो उसके बदले मैं नई गाड़ी ले लेता हूँ, उसको बाय बैक कर देता हूँ, थोड़े ऊपर से पैसे डाल के डाउन पेमेंट वगैरह भर के मैं ईएमआई लगा के महीने का हफ्ता भर के नई गाड़ी मैं ले सकता हूँ, ये मुझे मालूम है, ये मुझे पता है। तो एवेंजर मैं इसलिए चूज किया हूँ कि काफ़ी सारे राइडर्स का और काफ़ी सारे लोगों का उसके लिए जो रिपोर्ट है, उसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। अच्छा, तो मैं इसलिए उस बाइक को फील करना चाहता हूँ, उस बाइक पे राइडिंग करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो मेरा बाइक ड्रीम है वो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड का है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, मेरा बजट भी उतना नहीं है रॉयल एनफील्ड का उसको मैं स्पेंड कर सकूँ, और दूसरी बात तो यह है कि रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड ने जो है शायद हमें भी अभी पक्का मालूम नहीं है, BS6 जो उसके अंदर वेरिएंट निकाल रहे हैं वो शायद रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड बंद कर रहे हैं, तो मैं अभी उस चीज़ से बहुत उस बात से अपसेट हूँ, तो इसलिए मैं अभी एवेंजर ही लेके जाना पसंद करूँगा। जी आपका अभी पर्सनल तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोल्हापुर टू लद्दाख जाने तक आपको क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, आपको लगता है मेरे को ये मुश्किल आ सकती है, वो मुश्किल आ सकती है, और उसमें मैं ये मुश्किल को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे कुछ डेंजर सिचुएशन है आपके पास कि मैं अभी ये मुश्किल आई है और ये हमारे फ्रेंड्स को ना आए और उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आप थोड़ा फ्रेंड्स को बता दीजिए। तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि मैंने, और उसके साथ आप ये बता दीजिए कि इधर से आपको इंस्ट्रूमेंट क्या लगने रहे गाड़ी वाले के गाड़ी के साथ, उसके साथ आपको जो बैग चाहिए, हेलमेट चाहिए, जो गियर चाहिए, उसके बारे में भी आप बता दीजिए। जी तो पहली बात तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं प्रोफेशनल राइडर नहीं हूँ, और इन्होंने 300 किलोमीटर के 300 किलोमीटर सी ड्राइविंग की, उससे ज़्यादा नहीं किए, और आप के जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि फर्स्ट डे हमारा जो ड्राइविंग है वो 1000 किलोमीटर का होगा, और इसके लिए हमको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ने वाली है, और थोड़ा सा हम आसिफ भाई से जान के लेंगे कि 1000 किलोमीटर आसिफ भाई क्या आप तय कर सकेंगे? जी ये तो मुमकिन है या नामुमकिन है हमें तो राइडिंग से पहले पता नहीं चलेगा, फिर भी हमने ये जजमेंट तो लगाया है कि फर्स्ट डे या तो फर्स्ट नाइट जो भी हमारा रनिंग होगा ये तकरीबन कोल्हापुर से लेके कराड़ सातारा पुणे बॉम्बे होते हुए हाईवे टू हाईवे ये डायरेक्ट गुजरात क्रॉस करके उदयपुर तक का ये राइडिंग है। अच्छा, सुबह कितने बजे निकलने का प्लानिंग है? तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का राइडिंग है मेरे ख्याल के हिसाब से, तो इसको हम करना चाहेंगे। तो इसमें जो परेशानी वाली आने वाली है वो है, तो पहली ये है कि गर्मी की परेशानी है, तो हम राइडिंग करेंगे पूरे जैकेट्स और हेलमेट्स और ग्लोव्स के साथ में, तो इसमें थोड़ा नाम लग रहा है हमको, तो फिर भी हम इसको करने के लिए अपनी समर्थता दिखाएंगे। और जो है आगे का सफ़र हमें भी पता नहीं है किस हिसाब से होगा, फिर भी हम इसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और भाई लोग मैं आपको बता दूं, जब भी कोल्हापुर में बारिश का टाइमिंग रहता है तब आसिफ भाई पूरे भीग के आते हैं और सबसे ज़्यादा ठंडी उनको लगती है। आपको लगता है ऐसा कि लद्दाख में आप पूरी उस ठंड का आप ये कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे? लद्दाख का जो मौसम है और आते वक्त सब ये आग जलाओ वो आग जलाओ ऐसा रहता है, और उधर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? जी लद्दाख का जो मौसम है एक्चुअली हमें भी नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे -डिग्री जो टेम्परेचर रहता है उसके लिए प्रिपरेशन तैयारी करके हम निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से तकरीबन हमें दिल्ली छोड़ने तक तो पूरी गर्मी का ही महसूस होगा, तो इसके लिए अभी तक तो कुछ ज़रूरत नहीं है, आगे दिल्ली के बाद जो हमें उसके लिए करना ज़रूरी है वो हम करेंगे।
और एक्चुअली ये बात सही है, मुझे ठंड कवर नहीं होती है, तो इसके लिए मैं भी क्या कर सकता हूँ ये मैं देखूंगा, अपने जो हमारे साथीदार लोग हैं इनसे भी पूछूंगा, और जो पहले राइड कर चुके हैं उनसे भी मैं इसके बारे में मशवरा लूंगा। बहुत टाइम ले लिया है हमने, मैं जाते जाते सिर्फ आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे सब्सक्राइबर को इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ नहीं संदेश देना है भाई, लद्दाख जाने वाले हैं, 1 जून को पनाला फोर्ट पे हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, और जो कुछ भी नहीं हो ठंड में सबसे मजा ही आदमी का आने वाला है। इसके आगे भाई मैं नहीं जा सकता, कोई संभालो मेरे को। तो देखेंगे जब का तब देख लेंगे नहीं। सुनो, भाई 100 किलोमीटर जाने के बाद आग जलाओ, ठंड लग रही है। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग साथ में तो इन सब बातों का एंजॉय तो होने वाला है। नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, हम लोग जाने वाले भाई जो भी हो, अगर इस आदमी को ठंड लगेगी तो हम खींच के लेके जाएंगे, पैर पकड़ के गाड़ी के पीछे बांध के घसीटते हुए लेके जाएंगे। टॉप राइडर्स को सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और ध्यान से घंटी का प्रयोग कीजिए, पूरी घंटी का प्रयोग कीजिए, पूरी घंटी का प्रयोग कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आगे लग जाना, हाँ नहीं पीछे लुढ़े, पीछे बहुत डेंजर सिचुएशन है भाई। अर्श भाई इधर देखो, घंटी का पूरा प्रयोग, पूरा प्रयोग इनसे जानिए क्योंकि ये। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट इंट्रो में, था हमारा थोड़ा सा मजा की शूट था, तो आपको मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, हम जो है केओपी राइडर्स कोल्हापुर राइडर्स के मेंबर है, तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और ध्यान से कोल्हापुर राइडर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए।